दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर ऐसे ऐसे सेटिंग होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन का रैम बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, बैटरी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, हैंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, लैग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी दिक्कतें आपके फोन के अंदर आती है ना, सबका सॉल्यूशन दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ स्पेशल फीचर्स बताऊंगा जो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, जिससे आप अपने फोन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होगा अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है, नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एडिशनल सेटिंग मिलेगा, इसे ओपन करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब कई कई फोन में ये अलग लोकेशन पे भी होता है, और अगर आपके फोन में ये ऑन नहीं है तो ऐसे में आपको अबाउट फोन पे जाना है, 7 times टैप करना है बिल्ड नंबर पर, फिर जाके ये जो सेटिंग होती है यानी कि डेवलपर ऑप्शन, ये आपके फोन में ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी बोल सकते हो इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो यहां पर भाई लगभग 100 सेटिंग के आसपास होती है, बहुत सारी सेटिंग है गाइस, आप यहां पर खुद देख सकते हैं। अब यहीं पर दोस्तों इन सभी सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने फोन से बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैंग प्रॉब्लम को लेकर। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा गेम लैग होता है, आपका डिवाइस बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर ना 3 सेटिंग है जिसे बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा कम करना है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ वो सेटिंग कहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, ये कुछ मतलब कि स्केल टाइप के हैं, जैसे कि विंडो एनिमेशन स्केल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग चीजें दी गई है। अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो आपका फोन और ज्यादा हैंग करेगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने फोन को फास्ट करना चाहते हैं तो ये जो एनिमेशन स्केल है इसे आपको 0.5x पे कर देना है, एंड ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है इसे भी आपको 0.5 कर देना है, एनिमेटेड ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करना है इसे भी आपको 0.5 कर देना है। ये देख रहे हो, ये करने के बाद दोस्तों एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट करना अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, स्लो हो गया है, तो ये दोस्तों जो सेटिंग आपने यहां पर किया है इससे आपका फोन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बोल सकते हो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपके फोन की। तो ये पहली सेटिंग हो गई जो कि हैंग प्रॉब्लम को लेकर है। अब बात करते हैं कि अगर आपके फोन के अंदर कम जीबी का रैम है, जैसे कि आपके फोन के अंदर 2 GB 4 GB रैम है और आप सही से अपने फोन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं आपके फोन के अंदर और ज्यादा रैम हो, तो दोस्तों आप रैम को तो नहीं सकते, लेकिन आपके डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक ऐसी सेटिंग है जिसे अगर आप ऑन कर देते हो ना तो समझ लीजिए आपके फोन का जो रैम है वो डबल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। वो सेटिंग दोस्तों यहां पर मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा है मेरे फोन के अंदर, आप यहां पर देख सकते हैं, जिसका नेम है 4x MSAA। ये जो सेटिंग है ये क्या करती है दोस्तों, जिस फोन में कम जीबी का रैम होता है ना उससे उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसे 2 गुना इंक्रीज कर देती है। सही सुना गाइस आपने, यहां पर आप देख लीजिए ये आपके फोन में ऐसे बंद मिलेगा तो इसे सिंपली आपको ऑन कर देना है। ऑन करने का फायदा ये होगा कि अगर आपके फोन के अंदर कम जीबी का रैम है ना तो आपके फोन की जो परफॉर्मेंस है वो 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी, एंड आपको ऐसे लगेगा कि जो 4 GB रैम था वो 8 GB के बराबर हो चुका है। समझ गए, तो ये सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यहां पर आके कर लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके फोन के अंदर स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बार बार आ रहा है और आपके फोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जा रहा है तो उसे कैसे फिक्स आउट करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों वापस से आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना है। यहां पर दोस्तों एक सेटिंग दिया होता है जिसका नेम है फोर्स अलाउ एप्स टू राइट ऑन एक्सटर्नल, ये सेटिंग को यहां पर ऑन कर देना है। अब इसे जब आप ऑन कर देंगे ना तो जितने भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे वो आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल नहीं होगा, वो आपके फोन के एक्सटर्नल यानी कि जो मेमोरी कार्ड आप बाहर से लगाएंगे ना उसमें इंस्टॉल होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो काफी ज्यादा फ्री होगा, एंड ऐसे में आपका जो फोन है वो काफी फास्ट वर्क करेगा, जिससे दोस्तों इंटरनल स्टोरेज अगर फ्री होता है तो फोन कभी भी हैंग नहीं करता, ये बात आप जानती होंगे। तो ये सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने फोन में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लेके लगा लीजिए, उसके बाद ये सेटिंग ऑन कर लीजिए, फिर स्टोरेज का जो इश्यू है ना ये कभी भी आपके फोन में आएगा ही नहीं। तो ये सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनके फोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके फोन का जो बैटरी है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है तो उसका क्या उपाय है, यानी कि उसे कैसे
कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए भी दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही एक फीचर दिया गया है। उसके लिए बस आपको यहाँ पर आ जाना है, एक सेटिंग आपको देखने को मिलेगा जो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, आप अपने फोन का इंटरनेट ऑन कर दिए हो, आप अपने फोन को बंद करके जेब में रख लियो, आपके फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है ना वो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा रन करती है कि आपके फोन का जो बैटरी है वो धीरे 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 पूरा का पूरा ड्रेन हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर यहाँ पर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना तो आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन ही नहीं करेगा, कोई प्रोसेस ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में जितना इंटरनेट जितना बैटरी था वो उतना का उतना ही रहेगा। तो इसे आपको सिंपली नो बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ट्राई कर लेना, आपके फोन की बैटरी देख लेना कितना ज्यादा सेव होने वाली है, कितना ज्यादा बचेगी। और हाँ गाइस, बैटरी के लिए एक और सेटिंग दी गई है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर दिया गया है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। यहाँ पर अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये सेटिंग करेगा क्या, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी कि इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो जो आपके नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है ना ये फिक्स आउट हो जाएगा। तो समझ गए, ये दो मैंने आपको सेटिंग बताए हैं, दो फीचर बताए हैं जो आपके फोन के बैटरी के लिए है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको जरूर से जरूर अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन के अंदर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों उनके लिए जिनके फोन में गेम बहुत ज्यादा लैग करता है, ठीक है, BGMI हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या फिर और भी तरह तरह के गेम है, खेलते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लैग करता है। तो वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ सेटिंग बताए हैं, लेकिन एक और सेटिंग है जिसे अगर आप कर लोगे ना तो डेफिनेटली दोस्तों आपके फोन का जो गेम है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और लैग नहीं होगा। उसके लिए बस आपको यहाँ पर आना है, ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो बैटल ग्राउंड इंडिया है या फिर जो भी गेम रहेगा ना उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके इसका जो ग्राफिक्स ड्राइवर है ये सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर के ऊपर सेट करना है। ये आप में डिफॉल्ट पे होगा, जैसे कि आप देखेंगे तो सभी एप्लीकेशन डिफॉल्ट पे है, ठीक है, ये भी डिफॉल्ट पे होगा। तो मैंने इसे कर रखा था क्योंकि मैं इसे खेलता हूं ना, तो मैंने इसे सेटिंग कर रखा था, सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर के ऊपर आपको सेट करके रखना है, जिससे दोस्तों बोल सकते हो ना जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलेगा और कम बैटरी खाएगा, उसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी मिलने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर बताए हैं जिसे बस आपको कर लेना है। एंड सभी सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो एक बार ट्राई करना अपने फोन को रीस्टार्ट कर लो, उसके बाद आप इस्तेमाल करना, आपको खुद पता चलेगा कितना ज्यादा फर्क है पहले और अभी में। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।